हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पी सी। मैं दीपक सर। तो आज हम बात करेंगे हेरोंस फार्मूला के बारे में कि हेरोंस फार्मूला होता क्या है, हेरोंस फार्मूला किसके लिए यूज होता है, या क्लास नाइन्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे चैप्टर को। तो सबसे पहले हम हेरोंस फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। तो हेरोंस फार्मूला होता है यह फार्मूला समकोण त्रिभुज के लिए नहीं लगता है, समकोण त्रिभुज के अलावा 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 कोण के अलावा त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल के लिए लगता है। तो यह हेरोंस फार्मूला होता है। ये हेरोंस फार्मूला समकोण त्रिभुज के अलावा जितने भी कोण होंगे, जितने भी त्रिभुज होंगे, उनके लिए यूज होता है। सबसे पहले इस जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो ये त्रिभुज है, ये ट्राइंगल हमारा दिया गया है। इस ट्राइंगल की साइड होगी ए, ये होगी बी और ये होगी सी। ये साइडें दी गई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके लिए परिमाप निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। तो त्रिभुज का पेरीमीटर क्या बन जाएगा, त्रिभुज का पेरीमीटर परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा हमारा 2s बराबर, त्रिभुज का परिमाप होता है 2s, vs बराबर तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का सम ए प्लस बी प्लस सी। तो इसके बाद क्या करना है, एस की वैल्यू निकालोगे तो 2 यहाँ पर मल्टीपल में होता है, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू ऐसा हो जाएगा। तो एस की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया त्रिभुज का परिमाप, जब साइड क्या होगी, अलग अलग साइड होंगी किसी त्रिभुज की। इसके बाद हमें लगाएंगे, इस परिमाप को निकालने के बाद हम लगाएंगे हेरोंस के फार्मूले को, इसके थ्रू हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हेरोंस के फार्मूले से। इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी, ये एस है, एस माइनस बी एस माइनस सी। इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले के इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चैप्टर में हमें त्रिभुज का परिमाप पढ़ना है और हेरोंस के फार्मूले से हमें इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और यदि कभी राइट एंगल दे दे, समकोण त्रिभुज दे दे, राइट एंगल ऐसे करके दे दे, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे दे दे राइट एंगल, और इसका क्षेत्रफल निकालने को कहेगा, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, HERGHT। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर समकोण त्रिभुज होगा, अगर समकोण त्रिभुज होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तीनों साइड अलग अलग होंगे, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, परिमाप वाला, और हेरोंस के फार्मूले से क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आते हैं एग्जांपल पे। 12.1 एक्सरसाइज क्लास नाइन्थ का है,